हाय दोस्तों, कैसे हो? मज़े में ना? बस मज़े में ही हो गए। आज है 4 जनवरी और 2023। तो अभी शुरुआत करते हैं आज। अभी टाइम हो चुका है 11:45, 12:15 बज चुके हैं और मैं अपने घर से निकल चुका हूँ। और फटाफट करते हैं ओला और उबेर दोनों डिवाइस ऑन, देखते हैं पहला ट्रिप किस में आता है किस में नहीं आता है। जो भी है, आज पूरे दिन में कितना अर्निंग होता है। कल तो बिजनेस डाउन था, तो आज देखते हैं शाम तक जो भी अहमदाबाद में ओला या उबेर में जो भी अर्निंग होता है, मैं आपको लाइव प्रूफ दिखाने की कोशिश करूँगा। तो लगे रहिए वीडियो में और आज की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मैं ऑनलाइन तो पौने बारह बजे हो गया था, जो आपको लास्ट अपडेट दिया था। फिर अभी टाइम हो चुका है 12:30, करीबन पौना घंटा हो गया, लेकिन वटवा से मुझे कोई राइड नहीं आया। तो मैं अभी थोड़ा आगे इधर घोड़ासर और ईसनपुर के बीच में आके बैठा हूँ, ईसनपुर चौकड़ी और घोड़ासर चौकड़ी के बीच में, क्योंकि उधर से कोई राइड ना ओला बज रहा था ना उबेर बज रहा था। तो फिर मैंने सोचा, बोला थोड़ा आगे सिटी में चले जाते। तो यहाँ पर अभी आके बैठा हूँ हाईवे पर, देखते हैं यहाँ से थोड़ा देर यहाँ पर भी वेट करते हैं। आज भी क्या पता ऐसा ही धंधा जाने वाला है, कि देखते हैं जो भी नसीब में होगा आज मिल तो जाएगा ही। लगे रहिए वीडियो में। अभी मैं बैठा हूँ ईसनपुर चौकड़ी के पास में, ईसनपुर और घोड़ासर के बीच में। तो वेट करते हैं नई बुकिंग का कोई भी। दोस्तों, फर्स्ट बुकिंग मैंने कर लिया है कंप्लीट। वो आया था ईसनपुर सम्राट नगर से रामदेव नगर सेटेलाइट के पास में, कर्नावटी क्लब के पास में। मैंने कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप। अभी आप देख सकते हो, मैं अभी ये हूँ कर्नावटी क्लब के सामने के साइड पे, रामदेव नगर। तो देखते हैं अभी दूसरा ट्रिप कहाँ का किधर का आता है। फर्स्ट ट्रिप तो एक डेढ़ घंटा वेट करने के बाद में आया है पहला ट्रिप। अभी दूसरा ट्रिप का वेट करते हैं, वो कितनी देर के बाद में आता है। क्योंकि अभी ओला और उबेर दोनों में क्या पता मंदी का माहौल हो गया है। लगे रहिए वीडियो में दोस्तों। आज पूरे दिन में जो भी अर्निंग होता है, मैं आपको अपडेट करने की कोशिश करूँगा। तो सेकंड बुकिंग भी मैंने कर लिया है कम्प्लीट। वो मुझे आया था कर्नावटी क्लब के पीछे के साइड से, ओडाओ कठवाड़ा GIDC के लिए। तो वो मैंने कस्टमर को कर दिया है अभी ड्रॉप। और अभी टाइम हो चुका है 2:40। मैंने कस्टमर को कर दिया है ड्रॉप। उसका पेमेंट आया है 512 रुपया। जो भी आया है मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगा। और उसी कस्टमर को मैं रिंग रोड से लेके आया, क्योंकि रिंग रोड का मुझे लोकेशन बताया हुआ था। तो 512 रुपया पेमेंट आया है। ऐसा करके आज मेरा 2 ट्रिप उबेर में कम्प्लीट हो गया है। और अभी 3 बजे मुझे जाना है नड़ियाद, क्योंकि जो कस्टमर को मैं पहले लेके जाता था स्टर्लिंग हॉस्पिटल, उसी कस्टमर का मुझे अभी कॉल आया है। बोले आधा आप कहाँ पे हो? मैंने बोला मैं ओडाओ पे हूँ अभी। तो उन्होंने बोला आप आ जाओ फटाफट, अपने नड़ियाद के लिए निकलना है, क्योंकि उनको अभी अर्जेंट में जाना है नड़ियाद। तो दोस्तों, 3 बजे का टाइम है। तो जो भी है, मैं आगे का अपडेट आपको नड़ियाद जाके करता हूँ। लगे रहिए वीडियो में, देखते हैं नड़ियाद का कितना फेयर देते हैं कस्टमर और कितना किलोमीटर पड़ता है। जो भी है, मैं आपको अपडेट करता हूँ। दोस्तों, लास्ट बुकिंग मैंने कर लिया है कंप्लीट। जो मेरा पर्सनल बुकिंग आया था नड़ियाद के लिए, वो मैंने कस्टमर को कर दिया है अभी ड्रॉप। कस्टमर ने मुझे 1000 रुपया पे किया है वटवा से नड़ियाद का। और अभी मैं बैठा हूँ नड़ियाद में, और अभी टाइम हो चुका है 4:30। अच्छा है, अभी नड़ियाद का ट्रिप आ गया तो अपना काम हो गया है। तो अभी मैं हूँ नड़ियाद में। अभी देखते हैं यहाँ से कोई रिटर्न का ट्रिप मिलता है तो ठीक है, आधा घंटा जैसा बैठेंगे वेट करेंगे ओला उबर दोनों डिवाइस ऑन करके, क्योंकि यहाँ से मिलना तो बहुत मुश्किल है। तो फिर यहाँ से MT खाली खाली अभी जाना पड़ेगा। तो लगे रहिए वीडियो में दोस्तों, देखते हैं यहाँ से
आधा घंटा वेट करने के बाद में क्या होता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। नड़िया से मैं निकल चुका हूँ अहमदाबाद जाने के लिए, वटवा जाने के लिए, क्योंकि आधा पौना घंटा बैठने के बाद में भी कोई बुकिंग मुझे आया नहीं है, ना ओला में बुकिंग आया है ना उबेर में बुकिंग आया है। तो मैंने सोचा बोले अब बैठ के कोई मतलब नहीं है, इधर ही बैठे रहेंगे तो शाम पड़ जाएगा पूरा। तो मैंने अभी लगा दिया है टॉप अपने घर तरफ का, क्योंकि टाइम भी हो गया था 5:20 उधर, और कोई मतलब नहीं है फिर रात पड़ जाएगा। तो मैं अभी निकल चुका हूँ जाने के लिए, और रास्ते में से कहीं सीएनजी मिलेगा तो सीएनजी डला लेके। दोस्तों लगे रहिए वीडियो में, लास्ट अपडेट अभी देने का बाकी है, देखते हैं रास्ते में से कोई ओला या उबेर का कोई ट्रिप बसता है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं तो फिर एमटी घर पे जाना पड़ेगा। 40-45 किलोमीटर यहाँ से दूर है नड़िया से वटवा। तो दोस्तों जो भी आगे का अपडेट है मैं आपको अपडेट करता हूँ। लगे रहिए, टाइम हो चुका है 6:25 और मैं करीबन 5:20 नड़िया से मैं निकल गया था, और अभी एक घंटे में मैं अपने घर पर पहुँच चुका हूँ। रास्ते में मुझे कोई बुकिंग आया नहीं है, बुकिंग आया था लेकिन वो बहुत दूर से पिकअप आया था तो मैंने एक्सेप्ट नहीं किया, और पहला अपना वटवा ही पड़ता है तो मैंने सोचा बोले अब धंधा करके कोई मतलब नहीं है, शाम भी पड़ गया है तो सीधा घर ही जाते हैं। तो मैं सीधा अपने घर पे आ गया हूँ, और आज का मेरा टोटल अर्निंग है 1600 रुपये का आज का टोटल अर्निंग है। उसमें मैंने उबेर में कुछ 560 का अर्निंग किया है, 2 ट्रिप मैंने कम्प्लीट किया है, और 1000 रुपये का ये जो नड़ियात का मैंने ट्रिप कंप्लीट किया है वो। अगर नड़ियात से मुझे रिटर्न में कुछ ओला या उबेर की तरफ से कुछ रिटर्न ट्रिप मिल जाता छोटा मोटा भी तो मेरा आ गया खर्चा पानी में निकल जाता, और अगर अहमदाबाद का ही पूरा मिलता तो फिर अर्निंग अच्छा हो जाता। लेकिन बोलते हैं ना कि जो नसीब में लिखा हुआ होता है वही मिलता है, नसीब में आज इतना लिखा होगा तो इतना ही मिला है। और मैंने रिटर्न में मैंने CNG डला है खादर चौकड़ी से 400 रुपये का, तो CNG बात करके 1200 रुपया मिला है, तो अच्छा है। आज तो भी गाड़ी इतना चला नहीं है, गाड़ी बस चला यही है कि MT खाली आया 45 किलोमीटर। अगर ये 45 किलोमीटर का कुछ मिल जाता तो फिर अच्छा अर्निंग हो जाता। तो आज टोटल मेरा गाड़ी रनिंग हुआ है 130 या 140 किलोमीटर के आसपास का आज का टोटल गाड़ी मेरा रनिंग हुआ है, जो उबेर का 2 ट्रिप मैंने कम्प्लीट किया था और ये नड़ियात का 1 ट्रिप मैंने कम्प्लीट किया है वो। ये तीनों ट्रिप मिला के 140 किलोमीटर का गाड़ी रनिंग हुआ है, और 400 रुपये का CNG लगा है, और 1600 रुपये का अर्निंग हुआ है, और उसमें से जो भी मिला है वो अपना बचत है आज का। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। गुड बाय।